एकदम साफ फील होगी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कोड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। यहीं पे मैंने पहले ब्लॉग का एंड किया था और दूसरा यहीं से शुरू कर दिया है, क्योंकि ये संडे का सेकंड पार्ट है। पूरा दिन आपके साथ शेयर किया था, जो जो भी हमने किया, जैसे हमारा दिन गया, सब कुछ। छाया में धुल के क्यों हूँ और अभी इनको सुखाऊँगी, थोड़ी देर में पानी निकल जाएगा इनका। एकदम साफ क्लीन हो गए, थोड़े से उधर रखे तो इनको सुखाऊंगी मैं थोड़ी देर में, अभी पानी निकल जाए थोड़ा सा। कूड़ा थोड़ा ज़्यादा मिला गेहूँ में, कूड़ा ज़्यादा था। चलो जी नीचे चलते हैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है, काफ़ी तेज। मेरी सब्जियां भी ऐसे ही पड़ी, अब सबसे पहले सब्जी धोऊं, मशीन लगाऊं और फिर नीचे थोड़ा सा काम करने के बाद, जब तक इनका पानी सूख गया था, तो मैं यहाँ पे इनको फैलाने आ गई हूँ। और धूप बहुत तेज़ हो गई है इस टाइम पे, काफ़ी तेज़ धूप थी, पर अब धोया है तो सुखाना तो ज़रूरी है। और मौसम का भी ऐसा ही लग रहा है कि कहीं आंधी तूफान ना आ जाए, तो 2 घंटे की भी अगर तेज़ सी धूप इनको लग गई तो ये फिर रखने लायक हो जाएंगे। खैर, आटा पिसवाने लायक तो नहीं होंगे, पर हाँ, अगर पूरा दिन इतनी तेज़ धूप रही तो एक दिन में गेहूँ सूख जाते हैं। इन दिनों इतनी तेज़ हवा और धूप है, तो जी बस इनको मैं फैला देती हूँ और फिर नीचे जाके अभी काफ़ी सारे काम पड़े हुए हैं। इससे पहले आपको दिखा दूँ अपनी थोड़ी सी गार्डनिंग। ये देखिए, प्यारे प्यारे से कुछ फूल आए हैं। और ऊपर आना होता ही नहीं है, सुबह आती हूँ पूजा के बाद सूर्यदेव को जल देने के लिए, या फिर बस अब मैं आई हूँ, कुछ काम पड़ता है तो आती हूँ। कलियाँ आई हैं रोज़ के ऊपर, वाइट रोज़ बहुत अच्छा हो रखा है जब से इन्होंने कटिंग करी थी। एक गुडल ये है हमारा, इसमें इन्होंने पता नहीं टमाटर बोए थे, ये टमाटर जमे शायद, टमाटर भी उग गए, जम गए, उग गए जो भी। ये देखो धूप हो गई, कभी धूप हो रही कभी बादल हो रहा, और उधर जम गया धनिया। धनिया दिखाती हूँ आपको, ये देखो धनिया जम गया अच्छे से। अब नीचे आ गई हूँ, आ गई हूँ क्या, किचन का मैंने सारा काम कर लिया है और अब बारी आती है ड्राइंग रूम की। श्रेय ने ये कुशन निकाल दिए हैं और वही इनको डाल देगा, मैं तब तक थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ। कुछ श्रेय ने कर दिया, कुछ मैंने कर दिया, माँ बेटा मिलकर पूरी जो है आज ड्राइंग रूम को क्लीन कर देंगे, क्योंकि फिर वही होता है, देखिए सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं, मैं भी शॉप पर चली जाती हूँ। और जब हम कहीं बाहर काम करने लगते हैं या किसी भी जॉब पर जाते हैं, तो फिर इसी तरीके से ना रूटीन बना के रखना पड़ता है। एक दिन छुट्टी का मिलता है, पर वो अब छुट्टी नहीं रही, वो इतना बिजी जाता है कि पूछिए मत। पहले ये बोलते थे कि एक दिन मेरी छुट्टी होती है और ढेरों काम होते हैं, तो वही अब मेरा हो गया है सेम। एक दिन की छुट्टी, छुट्टी नहीं है मेरी, मेरी तो शॉप की छुट्टी नहीं है, पर बच्चों की छुट्टी है। तो इसलिए आज मेरा काम अंश ने ले लिया, उसने शॉप खोल ली और श्रेय मेरी घर पर हेल्प करेगा, तो सारे मिल के ना ये काम आज कर रहे हैं। काम आज बहुत ज़्यादा हुआ है, इनका भी काम बहुत ज़्यादा था, पर यह है कि सारा कुछ तो रूटीन शेयर नहीं किया जाता। जितना भी काम हम दिन में करते हैं, अगर करने लगे ना तो एक दिन के ही कई सारे ब्लॉग बन जाएंगे। इन्होंने तो आज बहुत सारे काम निपटाए हैं, कुछ मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जी ऐसा ही बस जो है रूटीन हमारा चलता रहता है। आज संडे के दिन सोचा ये मैं क्लीन कर लेती हूँ, 2-3 दिन से सोच रखा था, पर वही है, सुबह 11 बजे मैं शॉप पे चली जाती हूँ, उससे पहले इतना काम होता ही नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग मैं घर की करूँ।
वही नॉर्मल सी अपनी डस्टिंग की, झाड़ू पोछा किया और किचन का काम किया झटपट से और फिर निकल ली शॉप के लिए। बच्चे स्कूल ज़रूरी है, कॉलेज ज़रूरी है, ये नहीं कि जिस दिन मना आया उस दिन छुड़वा दिया, आज घर पे रहो आज काम है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और श्रेय तो खैर अपना कॉलेज छोड़ने को तैयार नहीं है, और अंश को इस बार मैं छोड़ने नहीं दूंगी क्योंकि 11th क्लास है, रेगुलर स्कूल जाएगा तभी अच्छे से पढ़ पाएगा। स्कूल जाने में, घर में रहने में, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, तो इसलिए कोई बात नहीं है, एक दिन सारा काम कर लिया करेंगे सब मिलके, तो इसी तरीके से हमारा काम होता रहेगा। कुशन श्रेय ने डाल दिए हैं, अब मैं ये सारे कवर वगैरह लगा देती हूँ। पूरा सामान सोफा हटा के पोछा अच्छे से मॉप कर दिया है, तो सारा अच्छे से क्लीन हो गया है, और बस ये जो है कुशन वगैरह लगा दूंगी मैं। आज टेबल का कवर भी आखिर मैंने चेंज कर ही दिया, ये शॉप से अंश लेके आया है क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, शॉप से आ भी गया है, तब तक मेरा ये काम चला है। काम बहुत ज़्यादा हो गया था, गेहूँ धुलने, ये वो बहुत सारे काम लेके आए थे, वो भी सारी धुली। तो ये है हमारे ड्राइंग रूम का फाइनली लुक। अच्छा लगता है जिस दिन जो रूम अच्छे से डीप क्लीन होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, और सोचा हुआ काम पूरा हो जाता है तो मन को सुकून भी मिलता है। शाम को तो मैं शॉप पे ज़रूर जाऊंगी, शाम को मैं नहीं रुकती हूँ कभी भी, थर्सडे के दिन भी मैं शाम को जाती ही हूँ। कभी कभार या तो बारिश है पूरा दिन या कुछ तबीयत ही ख़राब है तो मैं रुकती हूँ, नहीं शाम को मुझे जाना ज़रूरी पड़ता है। तो जी ये काम भी हमारा कम्प्लीट हो गया, बचा है घर में पोछा। हाँ जी, सब्जी सारी मैंने धुल के रख दी थी और अब इनको मैं रखने जा रही थी, सारे सूख गए हैं सामान। करेले देखती हूँ कब बनाती हूँ, टिंडे देखती हूँ कब बनाती हूँ, यहाँ पे मैंगो, इनका मैं अभी शेक बनाऊँगी, सारे का तो नहीं बनेगा। और इधर जो रैबिट्स की कैरेट, वो भी मैंने धुल के रखी हुई है, और बाकी सब्जी जो उनकी पत्ता गोभी आई थी ना काफ़ी सारी, वो मैंने अभी ऐसे रखी है। तरबूज कुछ धो के फ्रिज में रख दिए हैं ठंडा होने के लिए, और ये सारा मिंट भी धुल के रखा है, इसके पत्ते तोड़ने हैं। तो अब मेन काम क्या है कि अब मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, उसके लिए आम देखती हूँ कौन से का बनाऊँ, और बाकी जाएंगे फ्रिज में सामान। पूरा दिन आज काम काम, और ये सेकेंड ब्लॉग है आज का ही, तो पहला ब्लॉग कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। पूरा दिन बिजी बिजी। पापड़ हो जाएगा, एक इधर पापा का, इधर के साइड है ये, ठीक है, ये वाला पापा का है, ठीक है। चलो जी, इनका अलग मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इनको डायबिटीज़ है तो ये चीनी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लेते हैं, आम मीठा होता है, तो ये ऐसे ही इसको बनवा लेते हैं अपने लिए। इनका मैं अलग बना देती हूँ, पहले इनका बना दिया और फिर मीठा बना दिया, पापा को पहले ही दे दिया था, तो सबके लिए बना के। और पापड़ साथ में मैंने हाँ भून दिए हैं, ऐसे ही सूखे ही फ्राई किए हैं, ऑयली नहीं है, इससे ना थोड़ा सा नमकीन टाइप हो जाता है, इनको शौक़ है पापड़ का, तो बस पापड़ भून दिए हैं और सब बैठ गए हैं। और मुझे ये ठंडी चीज़ें पसंद नहीं है, ये मुझे ना नुकसान करती हैं, पर ये बोलने लगे थोड़ा सा ले ले थोड़ा सा ले ले, तो थोड़ा सा मैंने भी ले लिया, लेकिन इसके बाद मुझे अपने लिए चाय ज़रूर बनानी पड़ी थी। मेरा काम शाम की चाय के बगैर नहीं चलता, या तो कुछ भी ना लूँ या फिर लेना है तो चाय ही लूँगी, मतलब ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक ले ली, जूस ले लिया, कुछ भी ठंडा मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे ना फिर सर में दर्द भी हो जाता है।
तो बस अब तैयारी हो रही है शॉप पे जाने की। आज पूरा दिन कैसे बीता और मैं रेडी भी नहीं हुई थी, बीच में मुझे एक बार शॉप पे दोपहर में भी जाना पड़ा, कोई कस्टमर आया, कॉल किया, तो कोई दूर से आता है ना तो फिर जाना भी मुझे पड़ा। मैं और अंश गए थोड़ी देर के लिए और फिर ऐसे ही मैं तामझाम वहाँ पे फैला छोड़ के आ गई हूँ, क्योंकि भूख लगी हुई थी। मैंगो शेक मुझे बनाना था, ये मेरे बिना बच्चे तो नहीं बना पाते, तो फिर मैं आ गई हूँ। और मेरी शॉप बहुत दूर नहीं है, थोड़ी सी दूरी ही है, तो अब मैं जाऊँगी। और इनका भी कुछ बाहर का काम है अभी, एक बार और ये जाएँगे। ये आज पूरा दिन हो गया ना ही भी नहीं है, एक ही बार अब सारा काम ख़त्म करके नाएंगे। अभी थोड़ा सा काम है वो और निपटा लें और मैं जाऊँगी शॉप पर। तो जी शॉप पे जाने के बाद फिर मैं अब मिलूँगी आपसे रात के खाने के टाइम पे। आ गई हूँ मैं शॉप से और अब मैं यहाँ पे राजमा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। राजमा मैंने भिगा दिया था सुबह के टाइम, जब किचन क्लीन करी थी तब भिगा दिया था। सुबह मतलब इतना भी नहीं कि अर्ली मॉर्निंग ही मैंने भिगा दिया था, जब मैं दोपहर का मतलब किचन क्लीन करती हूँ ना उसके बाद मैं भिगा देती हूँ। और बस यहाँ पे प्याज चॉप कर रही हूँ। श्रेय चॉपर में कई बार करके रख देता है लेकिन आज पूरा दिन हो गया सबको लगे लगे। उसने भी थोड़ा सा अपनी प्रेस वगैरह करी है यूनिफॉर्म, कल स्कूल जाना है कॉलेज जाना है दोनों भाइयों के लिए, तो राजमा बॉयल उसने कर दिया है, वो मुझे नहीं करना। मैं जैसे बोले के गई थी ना कि इतना पानी डाल देना और कर देना, तो वो राजमा बॉयल हो गया है। यहाँ पे नॉर्मल सा तड़का है, ऑयल गरम किया, हींग जीरा डाल दिया और साथ में ही लहसुन और प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जो कि मैंने फ्रेश ही कट करा था। लहसुन भी, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालूँगी, लहसुन फ्रेश ही मैंने इसमें डाल दिया है। और कढ़ाई मैंने ये छोटी ले ली है क्योंकि मैं कुकर में ही इसको फिर से डाल दूँगी, इसमें सिर्फ मुझे तड़का भूनना है। तो यहाँ पे प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है, अब इसमें मैं रूटीन के सूखे मसाले डालूंगी, जैसे धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी रेड चिली डाल दी है और यहाँ थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है। राजमा में बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली जाती है क्योंकि उसका कलर पहले से ही बहुत डार्क होता है। इनको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। राजमा मसाला बना रही हूँ, बहुत टेस्टी बनने वाला है और सच में बहुत टेस्टी बना था। एक तो राजमा बने टाइम भी इस बार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, जब चीज़ जल्दी जल्दी बनती है वो टेस्ट नहीं आता है, और जब ज़्यादा दिन में कोई चीज़ बनती है ना तो बहुत ही अलग टेस्ट आता है। अदरक हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट भी श्रेय ने बना के रख दिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट क्योंकि राजमा में पहले से ही है, लेकिन टमाटर मसाला जो बन रहा है उसके लिए। और बस अच्छे से इसको मिक्स करूँगी, इसको छोड़ दूँगी मैं पकने के लिए। उधर मैंने चावल का पानी बॉयल होने के लिए रख रखा है, तो चावल भी साथ साथ मेरे बन जाएंगे और इधर राजमा बन जाएगा। ये देखिए चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, चावल का पानी बॉयल हो गया था। और बस इसके बाद फिर देखते हैं अपना मसाला। चावल एक बार चला के कवर करके छोड़ देती हूँ, जल्दी से बॉयल आ जाएगा। और यहाँ पे राजमा हमारा बॉयल रखा हुआ है, अच्छे से बॉयल हो गया है। और लड्डू गोपाल के लिए मुझे अलग से बनाना है, उनका मैंने निकाल लिया है क्योंकि ये तो प्याज लहसुन का है और राजमा बिना प्याज लहसुन के अच्छा नहीं बनेगा, तो मैं उनका अलग से बनाऊँगी। और जब ऐसे छोले हो गया, राजमा हो गया, इस तरीके से बनते हैं ना, तो उनका मैं अलग बना देती हूँ। कढ़ी भी मैं उनकी अलग बनाती हूँ, जब भी कढ़ी बनती है वीक में एक बार तो हमारे यहाँ पे बनती ही है, तो उनकी कढ़ी मैं अलग से ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ी भी बिना प्याज लहसुन के अच्छी नहीं बनती है। मतलब अच्छी तो बन जाती है लेकिन फिर वही है कि पूरी फैमिली को क्यों मतलब उस तरीके से करना, दाल वगैरह बना लेती हूँ। यहाँ पे मसाला हमारा भुन गया था, ऑयल एकदम सेपरेट हो गया था, उसमें डाल दिया है मैंने राजमा मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला भी। गरम मसाला इसलिए डाला है, राजमा मसाला काफ़ी होता है लेकिन मैंने इसमें कोई खड़े मसाले नहीं डाले थे, और राजमा मसाला बना रही हूँ तो थोड़ा सा मसाला एक्स्ट्रा जाएगा ही। यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है और इधर कुकर मैंने रख दिया है, अब ये इसमें मैं पलट दूँगी और थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, पानी इसमें मैं गरम डालूंगी तो बहुत जल्दी राजमा बन जाएगा। ये देखिए गरम पानी गया, अब इसको चलाऊंगी और जितना भी मुझे लगेगा कि पानी इसमें और थोड़ा सा मुझे चाहिए तो उतना डाल के एक सीटी इसमें मैं लगवाऊंगी। सीटी से ना जल्दी हो जाएगा अगर इसकी लिड लगा दूंगी, ओपन भी बन जाएगा, वैसे तो ओपन ही बन जाता है लेकिन अब कुकर में ही है तो एक सीटी लगवा देती हूँ, मिनटों में खाना हमारा तैयार हो जाएगा बहुत जल्दी।
और पूरे दिन की थकान है, खाना जल्दी बन गया है तो थोड़ा सा रिलैक्स होगा और सबको टाइम पे मिल भी जाएगा। एक तो मैं शॉप पे चली गई थी, हालांकि इतनी देर से नहीं आई हूँ, फिर भी इतना टाइम हो ही जाता है। और आज मैंने चेंज वेंज नहीं करा अभी, पहले मैं खाना ही बना रही हूँ क्योंकि फिर लेट हो जाता है। थोड़े से बर्तन हैं, ये बर्तन करूँगी और आज बाद में ही मैं चेंज करूँगी। इतनी गर्मी नहीं है कि मुझे नहाना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि हाथ मुँह अच्छे से धुल के चेंज मैं ज़रूर करती हूँ। और गर्मी में तो खैर नहा भी लेते हैं, और आज तो दोपहर में अभी मैं लेट ही नहा के शॉप पे गई थी, तो इस तरीके से ना मेरा चल जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे चावल भी हो गए हैं, इनका मैंने पानी निकाल दिया है, जिसको मांड उतारना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और ये बड़ा इजी तरीका है मेरा मांड निकालने का, जो जाली वाली छलनी है मेरी दूध पे ढकने वाली, जिसमें हम दूध बॉयल करके ढकते हैं ना, तो वो इसी साइज के मैंने रखी हुई है, भगोने पे रखती हूँ और जल्दी से चावल का पानी निकाल देती हूँ। उसमें ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा छलनी लगानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, तो ये इजी है। हाँ ये है कि थोड़ी छलनी ख़राब तो होती है, पर कोई बात नहीं, ख़राब होगी तो नहीं आ जाएगी, पर यह है कि काम जल्दी इससे हो जाता है। शॉर्टकट जहाँ दिखता है काम करने का, वहाँ थोड़ा सा मैं कर भी लेती हूँ। तो खाना रेडी है, आ जाइए आप लोग भी। राजमा मसाला, और यहाँ पे मैं राजमा दिखाना आपको भूल गई थी कि राजमा हमारा कैसा बना है। कोई बात नहीं है, सर्व कर दिया है, तो इसी में आप देख लीजिए, बहुत टेस्टी राजमा मसाला बना है। और राजमा ना ये छोटे वाला हम बनाते हैं, बड़े वाला बहुत कम बनाते हैं। बड़े वाला मैं रखती हूँ जो मखनी दाल होती है ना उसके लिए। थोड़े से प्याज के लच्छे रख दिए हैं और कुछ भी नहीं चाहिए। सैलड में मैंने खीरा भी कट करा है, टमाटर भी, प्याज भी, लेकिन बस इसमें इतना ही काफ़ी है। तो जी आ जाइए आप लोग भी, राजमा मसाला की प्लेट लग चुकी है, राजमा चावल बहुत टेस्टी बने हैं। और खाना पीना होने के बाद देखिए काम अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। ये पुदीना रखा हुआ था, ये टाइम ही नहीं मिला दिन में बिल्कुल भी। ये बोल रहे थे कि मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, मुझे दे देना, मैं पत्ते तोड़ दूँगा, लेकिन इनको तो खुद ही टाइम नहीं मिला, ये मुझे शॉप से लेके ही आए हैं। पूरा दिन निकल गया इनका ऐसे ही। तो यहाँ पे चल रहा है टीवी, साथ साथ टीवी भी देखा जा रहा है। और यहाँ मेरा बिस्तर लगना शुरू हो गया है क्योंकि इस रूम में एसी है, तो ये बच्चे मान नहीं रहे हैं और आज पहले दिन इसमें मुझे सुला रहे हैं कि नहीं मम्मी यहीं पे बिस्तर लगाएंगे। तो दोनों भाइयों ने मेरा फोल्डिंग डाल दिया है यहीं पे, और यहीं पे मेरा बिस्तर लग रहा है। मैं मना कर रही थी कि अभी इतनी गर्मी नहीं है, मैं दूसरे रूम में ही सो जाऊँगी, लेकिन देखते हैं। चलिए अभी तो बारिश का मौसम हो गया था तो एसी का ऐसा चल नहीं रहा था, अभी ऐसे ही काम चल रहा था, दूसरे रूम में ही चल रहा था। तो बस यहाँ पे मिंट तोड़ लेते हैं, ये ना फिर ख़राब हो जाता है। जो काम करने हैं सो करने हैं, सारा काम निपटा के मैं बैठ गई हूँ और इनको हो रही है बहुत ज़्यादा थकान, पर फिर भी ये करा रहे हैं। और इनकी कमर में दर्द होने लगा तो मैंने इनको बोल दिया कि बस अब मत करो आप, देखो कैसे कर रहे हैं। तो इनकी कमर में ना इस टाइम बहुत दर्द होने लगा था, पूरा दिन हो गया और इनको अभी भी हल्का हल्का फीवर चल रहा है। पता नहीं क्यों, दवाई खाते रहते हैं तो ठीक रहते हैं, जैसे ही कुछ दिन बीच में दवाई बंद कर दी तो फिर से वही हालत इनकी हो गई। और ये सारा कुछ है वीकनेस की वजह से, क्योंकि बहुत सालों से डायबिटीज़ इनको है। ध्यान भी मैं बहुत रखती हूँ, ना तो इनके कभी फ्रूट्स छोड़ती हूँ ना ड्राई फ्रूट्स छोड़ती हूँ, पर ये है कि चाहे कुछ भी खा लें, जब शरीर में कोई बीमारी है, और ये बीमारी ऐसी है कि ये शरीर को ना बिल्कुल खोखला कर देती है, तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो मैंने इनको बोल दिया कि आप हट जाओ, मैं अकेले ही करूँगी, क्योंकि करना ये पड़ेगा, ये फिर ख़राब हो जाएगा और सुबह इतना टाइम नहीं मिलता, सुबह दोनों बच्चे जाएंगे फिर ये ऑफिस जाएंगे, तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है, फिर मेरी भी ड्यूटी शॉप की लग जाती है। तो इस तरीके से अब काम आज थोड़े से ज़्यादा ही थे इनके, पर चलो हो गए सारे काम। बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन बच्चे बच्चे हैं अभी, वो काम नहीं कर सकते जो ये कर सकते हैं। अब आपने देखा साल भर का अनाज खरीदा इन्होंने हैं, भरवाया उसको इन्होंने हैं, और बाहर मार्केट के बहुत सारे काम जो इनको ही करने होते हैं। शॉप में भी थोड़ा सा काम इनको था, फिटिंग करने गए थे वहाँ की, जो एसी हमने लगवाया था ना, तो एसी तो लग गया था लेकिन वो भैया चले गए थे, उन्होंने फिटिंग अच्छे से नहीं करी थी, तो ये ना इतने काम खुद कर लेते हैं। तो जी बस यही था आज की वीडियो में, कुछ भी आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।